आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनमें कोई डिजिबिलिटी यानी कि विकलांगता है या उनके फैमिली में फ्रेंड सर्कल में किन्हीं को भी ये चीज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फोन से UDID कार्ड यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के बहुत सारे फायदे हैं जिनमें मैं आपको दो मोटे मोटे कारण बता देता हूँ। पहला जो फायदा है तो आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी अपना UDID कार्ड दिखा करके आप इस प्रोसेस से काम करवा सकते हैं। दूसरा जो फायदा है वो है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं, बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं जिसका फायदा आप इस सर्टिफिकेट से उठा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। UDID कार्ड बनाने के लिए यानी कि विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप अपना UDID कार्ड नया बना सकते हैं, यहाँ से रिन्यूअल कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन से डुप्लीकेट इशू करा सकते हैं। तो आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यानी कि अप्लाई फॉर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि UDID कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा जिसमें आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए आपको अपना फर्स्ट में नाम देना है, किसी तरह से मिडिल नेम है तो वो आप यहाँ पे देंगे और अपना सरनेम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मिडिल नेम नहीं है, सरनेम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से आवेदक का यानी कि फर्स्ट नेम में आप यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे हिंदी में टाइप, आवेदक का सरनेम यदि है तो आप यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देंगे। आप नीचे की ओर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डालना है, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डालना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी प्रकार से पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में डालेंगे, माता का नाम यहाँ पे हिंदी में डालेंगे और एज जो है वो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कोई भी एक रैंडम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक डेट कैलकुलेट होकर के आ जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कि शरीर में किसी तरह का कोई मार्क है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में आप जनरल है, OBC है, ST है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप देना है, यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मार्शियल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे यानी कि शादीशुदा है क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। देन यहाँ पर रिलेशन विद PWD यानी कि पर्सन विद डिजेबिलिटी में आप यहाँ पर अपना गार्जियन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, फादर है, मदर है, वाइफ है, आप जिनका भी नाम दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम फादर नाम देते हैं तो यहाँ पर आपको अपना फादर का नाम एंटर कर लेना है। उसके बाद यदि फादर का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फोटो यानी कि प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर लेना है जिसका फॉर्मेट JPG PNG होना चाहिए, 15 से 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है, सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उसके बाद आप थंब यानी कि अंगूठा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जिसकी फॉर्मेट JPG PNG होना चाहिए और 3 KB से 30 KB तक के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस यानी कि वर्तमान पता डाल लेना है। लाइन 1 आपको डालना जरूरी है, लाइन 2 आप खाली छोड़ सकते हैं, लाइन 3 आप खाली छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से आपको अपना वर्तमान पता यहाँ पर हिंदी में डालना है, उसके बाद लाइन 2 आप डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। देन आप यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसी प्रकार से आप यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर विलेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पिन कोड डाल लेना है, उसके बाद नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है, देन आप आधार कार्ड का फोटो आप यहाँ पर से अपलोड करेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका जो भी होगा यानी कि अस्थायी पता वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस सेम एज एबव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस में आकर के पूरा की पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल देना होगा जिसमें आप प्राइमरी तक पढ़े हैं, मिडिल या 10th तक, 12th तक, जो भी आप किए हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप इस इलिटरेट वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ डिजिबिलिटी में एसिड अटैक हुआ था, बहरा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, कान से कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई हेयर इम्प्लांट है, जो भी आपका डिजिबिलिटी होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद ऑप्शन आएगा कि विकलांगता कब से है, तो बाई बर्थ है यानी कि जन्म से विकलांगता है, तो डिजेबिलिटी बाई बर्थ वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेंगे। यानी कि बीच में कोई डिजेबिलिटी हुआ है, यानी कि अचानक से बीच में किसी प्रकार का कोई विकलांगता हुआ है, तो आप उसकी ईयर यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिजेबिलिटी एरिया कहाँ पर है, यानी कि हाथ में है, पैर में है, किसी पूरे शरीर में है, जहाँ पर भी है, आँख में है, नाक में है, आप उसे यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। देन आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, यानी कि किसी अदर स्टेट में, तो करवा रहे होंगे तो यस करेंगे, यानी कि इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। हमारे ऑप्शन में हमारा जो पेशेंट है वो इलाज करवा रहा है, तो उस पर इस पर क्लिक कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर से स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट में वो अपना इलाज करवा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर से हॉस्पिटल यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, हॉस्पिटल ट्रीटिंग डिजिबिलिटी कर लेंगे, पेंशनर नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हैं। डिजिबिलिटी ड्यू टू का ऑप्शन में एक्सीडेंट हुआ था डिजी से, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। हॉस्पिटल का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोल जाएगा, तो आप यहाँ पर से हॉस्पिटल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं इस चेकबॉक्स को, तो आपको इस समय से किसी पर भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल का, तो यदि आप काम करते हैं तो एम्प्लॉयड पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इस अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैं बेरोजगार यानी कि अनएम्प्लॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं, तो मैं बेरोजगार कब से हूं वहां पर मुझे अपना यहां पर से डेट डाल लेना होगा। उसके बाद मेरे पास बीपीएल कार्ड है या नहीं है, यानी कि आपके पास जो भी कार्ड है, बीपीएल है, एपीएल है, अंत्योदय है, आप उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद पर्सनल इनकम में जो भी आपका होगा आप यहाँ पर से क्लिक कर सकते हैं, यानी कि आपको कम से कम वाले में ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से आपका फादर का इनकम क्या है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम ऑप्शन है तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, अदरवाइज आप पूरे डिटेल को यहाँ पर खाली छोड़ करके आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आइडेंटिटी डिटेल सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो भी डिटेल होगा यानी कि जो भी सर्टिफिकेट होगा आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टिन यानी कि एनपीआर खाली छोड़ सकते हैं, आधार भी खाली छोड़ सकते हैं। यदि आप आधार नंबर देंगे तो यहाँ पर से आप अपने सरकार के साथ आधार नंबर शेयर करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर डाल लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन को आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है, देन आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन का पूरा डिटेल यानी कि प्रीव्यू आ जाएगा, जिसमें आपका नेम, आपका फादर का नेम, माता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, हिंदी में, इंग्लिश में, सारा को बढ़िया से मैच करा लेना है। यदि आपका एप्लीकेशन कहीं पर प्रॉब्लम है, कहीं पर आप गड़बड़ किए हैं, तो आप वापस से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर और इस एडिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका पूरा डिटेल सही है तो आप इस कंफर्म एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको बोला जाएगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सरनेम सब सही है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आप यस कर लेंगे। उसके बाद आपका हिंदी में नाम यानी कि रीजनल में नाम सही है तो आप यस कर लेंगे। उसी प्रकार के सारा को आप पढ़ेंगे और यहाँ पर सारे वाले ऑप्शन पर यस 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 करते जाएंगे। उसके बाद आप इस यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। आपको अपना यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे आप कॉपी करके रख सकते हैं। इसी एनरोलमेंट नंबर से यानी ट्रैकिंग नंबर से आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन से आपका पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर से आपका डाउनलोड रिसिप्ट हो जाएगा, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ गई है। इसी प्रकार से आप इस डाउनलोड एप्लीकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी एप्लीकेशन की रिसिप्ट है वो यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाएगा। आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको वापस से आना होम पेज पर, देन आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर था आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एप्लीकेशन की स्टेटस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इस मेथड से 2023 में आप किसी का भी विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी प्रकार का रोज़ इन्फॉर्मेटिव हमारे वीडियो पर प्रतिदिन आते रहता है। तो मिल
मिलते हैं आपसे किसी आगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।